हो सकता था, पीछे से इनको सपोर्ट पार्ट देने के लिए आ चुके हैं कैरी भी। और अब देखना चाहूंगा इस फाइट को किस तरीके से आई वाली कैरी करने वाली। जोन का नाम यहाँ पर मिलेगा एग्जैक्टली बड़ा सैड कि ना सिर्फ इनकी हेड टू हेड फाइट रहेगी, इनकी फाइट जोन के साथ भी रहेगी और जोन इस फाइट में जीत जाएगा। ग्लोबली स्पोर्ट्स एक्चुअली एंजॉयिंग द जोन बेनिफिट्स। हार्ड गॉड वर्सेस एसएस के टीम एक बार फिर से यहां पर दिक्कत खड़ी करती हुई इनिशिएट करती है बिकॉज़ देयर डाउन टू 1 सेल्सियस लॉकर। यू माइट कम अप विद अ ग्रेनेड बिकॉज़ अगर वो होता है तो यहां पर पाओ किलो मेरे ख्याल से 100 ग्राम के बचने वाले हैं। लॉकर के पास एक बेहतर वेपर है, सेल्सियस आएगी एक्चुअली वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट ये कोरा जो है, जो स्मोक है, उसे पेड़ ऑफ होने का शायद उतना मौका नहीं भी देना चाहिए था। एक बार फिर से फैसिलिटी के अंदर ओपन में आते हुए पाव किलो पेन को शायद रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। डॉन यहां पर अभी के लिए बचे जरूर से हुए हैं बट ऊपर से बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टांस के साथ बैठी ये राइजिंग स्टार की टीम इज एक्चुअली रिपिंग थिंग्स द वॉच एंड ऑफ द टाइम फॉर द स्लैम इन दे आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स द सेम इज ही गोइंग फॉर इट आई थिंक यस। दिक्कतें बढ़ती हुई जा रही है, पाव किलो यहां पर अभी के लिए शायद रिवाइवल ना दे पाएंगे बट उसके बावजूद एडीएस खोला, नॉक निकाला, डाउन टू 2 जो फाइट 2v4 की कन्वर्ट हो चुकी थी वो 2v2 की बन चुकी है। बट क्या लॉकर और सागी ओपन में आने की गलती करेंगे, शायद हां। एक बार फिर से स्कारल का 6 का आईडीएस खोलेंगे, लॉकर वहां पर भी के लिए हार्ड ग्राउंड पर रुके हुए बट सागी इज एक्चुअली गोइंग दैट रिवाइवल। रेड्स को रिवाइवल देके ये टीम रीसेट करकर फिर से प्रेशर क्रिएट करना चाह रही है कैप्टन। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करेंगे 7 सीज यहां पे टीएसएम एफटीएस को एलिमिनेट करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेल्सियस वर्सेस टीम इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स की, दोनों प्लेयर्स को यहां पे सेल्सियस सक्सेसफुली रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रेक्स हो चुके हैं रिवाइव, इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स की तरफ से मुझे यहां पे 3 खिलाड़ी अपने पहलों पे खड़े दिख रहे हैं एंड नाउ द टेबल्स टर्न। Saggy with that beautiful high ground advantage यहाँ पे initiative sports के Dawn को knock out करते हैं। पाव किलो कोशिश करें यहाँ पे grenades को toss करने की, अगर एक भी बढ़िया connection मिल जाता है the tables will turn once again in favor of initiative sports। लेकिन look at the high ground advantage, कितना बढ़िया मौका है यहाँ पे Celsius के पास की इस मैच में विनर विनर चिकन डिनर लेके जाए। शुभम को भी यहाँ पे knock out किया जाएगा, वो सिर्फ एक direction में fight नहीं ले रहे हैं, they are spraying down bullets from everywhere। पाव किलो को भी take down किया जाता है, immediate elimination, last player surviving, who's it gonna be? उनको भी यहां पे सक्सेसफुल एलिमिनेट किया जाएगा। इनिशिएटिव स्पोर्ट्स आर आउट ऑफ द गेम। देखिए जिस तरीके के डायलॉग्स हम यूज करते हैं कि हायर ग्राउंड एडवांटेज, हम जब भी हायर ग्राउंड बोलते हैं एडवांटेज साथ में लगा देते हैं, उसको सही प्रूव करती है यहां पर सेल्सियस ईस्पोर्ट्स की टीम। साथ ही साथ अगर आप ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की बात करेंगे जो अभी तक जोन के सेंटर में थी, कॉर्नर पर दिख रही है, खतरा मंडरा रहा है। देखना चाहूंगा कि व्हाट्स गोइंग आउट देयर विद ग्लोबल ईस्पोर्ट्स बिकॉज़ रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के पास वहां पर नंबर एडवांटेज है। टॉप तक वहां पर ओमेगा को डाउन कर देंगे, क्लचस में फंसी हुई ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की टीम, क्या इस मैच से वो फिनिश पॉइंट निकाल कर जा पाएगी, क्या यहां पर वो पोजीशन पॉइंट लेके जाना पाएगी जिसके चलते जोन का एक अर्ली सेंटर लेने के लिए सागवान निकले थे। सेल्सियस के प्लेयर्स वहां पर नंबर एडवांटेज को एंजॉय करते हुए, रेवेनेंट के प्लेयर्स यहां पर 3 प्लेयर्स के साथ ओपन में शॉट ऑफ कर लेंगे प्रिंस को, प्रिंस माइक गो डाउन बट वो लकी कवर प्रिंस को बचा जाएगा एंड मोटा बैटमैन स्टिल गॉट टू वेट फॉर सम मोर एक्शन। पहले इंतजार तो करना पड़ेगा, लेट्स फाइंड आउट व्हाट पैराडॉक्स कैन डू एट द मोमेंट। मोटा बैटमैन में दर्शकों से कहना चाहूंगा इट्स नन अदर देन रेमिनेंट के ही पैराडॉक्स एंड एगी की अगर आप बात करें कि सेल्सियस दे आर जस्ट पॉपिंग अप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट फिनिश फेलियर। ग्रेनेड का थोड़ा सा कनेक्शन मिलता है, एगी वंस अगेन कंफर्मिंग दैट 1 फिनिश ऑन टू अवी एंड एनिग्मा के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है। लॉकर को यहां पे नॉकआउट किया जाता है, धीरे धीरे करके यहां पे आगे बढ़ने वाले 7 सीज के टीम खिलाड़ी हैं एंड लुक एट द पोजीशन वेयर मोटा बैटमैन इज होल्डिंग एंड ही विल बी गोइंग इन विद दैट M249 रेनिंग बुलेट्स डाउन ऑन टू सारंग। एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी ग्रेनेड को टॉस करके, एनिग्मा CG7 फाइनल होप फॉर दिस टीम। सेल्सियस इंतजार कर रहे हैं, यहां पे स्प्रे डाउन किया जाएगा, क्या यहां पे एलिमिनेशन की तरफ बढ़ने वाले, जी नहीं, रेक्स जब तक है सेल्सियस तब तक अलाइव रहने वाले हैं। टॉप 4 टीम्स रिमेन, 12 खिलाड़ी अभी इस गेम में। वी हैव टीम रेवोलेंट, वी हैव टीम 7C सेल्सियस एंड ग्लोबली स्पोर्ट्स इन टॉप 4। हर वो टीम जो जोन को रिस्पेक्ट करती हुई आई थी उन्हें यहां पर जोन भी रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अब डाउन टू 4v4 फाइट जहां पर 7C के पास नंबर एडवांटेज काफी अच्छा है और रेवोलेंट की टीम को शायद लाइसेंस मिल चुका अटैक करने का। मोटा बैटमैन उस लाइसेंस को यूज करने से पहले एक बार एक ग्रेनेड करना चाहेंगे, दैट्स इट टी एंगल। बट अब उस ग्रेनेड से अगर कनेक्शन बन जाते हैं तो यहां पर फ्रीली अटैक करने का मौका। रेक्स वहां पर सैक्रिफाइसिंग रोल अदा कर रहे हैं हायर ग्राउंड पर, उन्हें पता है कि जोन उन्हें यहां पर फिनिश ऑफ कर जाएगा बट जाते जाते जब तक उनके प्लेयर्स के पास अग्रेस करते हुए प्लेयर्स आएंगे उन्हें काफी लो करने का वो एम रख के सेल्सियस के रैक्स अभी भी जोन के बाहर रुके हुए हैं। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स अब शायद जोन के अंदर यहां पर जाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। रैक्स वहां पर टॉप डॉग को डाउन करके जिनके पास चारों प्लेयर्स थे उनकी पोजीशन थोड़ी सी खराब करते हुए बैटमैन को भी यहां पर काफी ज्यादा डैमेज मिल चुका है। ऊपर से सेल्सियस के टैक्स आएगी यहां पर अब नॉकआउट हो जाएंगे और शायद सेल्सियस के पास अब यहां से उतना मौका नहीं बनेगा। वेल सेल्सियस के सिर्फ अकेले लॉकर बचे हुए हैं, सांगवान को एलिमिनेट करने की यहां पे कोशिश है कि प्लेयर को स्पॉट करते हैं। यहां पे काफी लोग किया गया, सांगवान को यहां पे एंगेज करने से पहले ही ऑलरेडी नॉकआउट हो जाते हैं, वो जोन के बाहर आगे बढ़ रहे हैं। रेक्स की पोजीशन को बहुत बहुत ज्यादा एक क्रूशियल पोजीशन रेक्स के पास था लेकिन वो
नॉकआउट हो चुके हैं वो हेल्प नहीं कर पाएंगे अपनी टीममेट की। एंड आप देखिए दैट लिटिल स्पेस थ्रू द जोन हियर इंतजार किया जा रहा है, रेजरेक्शन रिवाइव किया जा रहा है, रेक्स का जो फिनिश है वो कंफर्म किया जाता है, टॉप डॉग गोइंग इन विद अ मैसिव स्प्रे एंड अलादीन अभी भी इंतजार करने वाले हैं प्रिंस को, वो रिवाइव दे रहे हैं 9014 स्टिल सर्वाइविंग। दिस मैप ऑफ मिरामार इज जस्ट ब्लोइंग द चार्ज ऑफ द रूफ बिकॉज़ 8 सर्कल में आके भी यहां पर तीन टीम सर्वाइव कर रहे हैं। दैट मोली वाज सो वेरी ऑन पॉइंट, दीस गाइस फ्रॉम 7 सीज आर ऑन फायर, ये पानी भी शायद इस आग से नहीं बचा पाएगा। So very good with the throwables and everybody esports. Now we are down to two teams where the last man standing from Celsius esports and second in a jayega us team ke paas jisne shayad pure match mein acche areas hold kare hain, acche aggression ke sath yahan par team khelti hui dekhne ko mili hai and it's none other than Revenant esports. Revenant esports ek massive ek winner winner chicken dinner leke jane wale hain and agar hum baat karenge inke team ki jo position